नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के रिटायर्ड पत्रकारों के बुढ़ापे का सहारा बने मुख्यमंत्री, पेंशन बढ़ाकर दिया सम्मान। सीएम द्वारा दी जाने वाली पेंशन देश में सबसे अधिक। ग्रुप सी और डी के कर्मियों को सस्पेंड करने का मिला अधिकार। हरियाणा सरकार ने बढ़ाई मेयरों की वित्तीय शक्तियां। आज राजस्थान में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का रोड शो। डिप्टी सीएम ने कई गांवों में साधा जनसंपर्क। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा चुनाव प्रचार का किया आगाज। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने विभिन्न मीडिया संस्थानों से रिटायर हो चुके राज्य के 60 साल और इससे अधिक उम्र के पत्रकारों का हाथ उम्र के उस पड़ाव में थाम लिया जब उन्हें किसी सहारे की बहुत अधिक जरूरत होती है। उस समय इन पत्रकारों के पास ना तो कोई अखबार होता है और ना ही आर्थिक आय का कोई स्थायी माध्यम नजर आता है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने राज्य के पत्रकारों को उनके रिटायरमेंट के बाद 15,000 रूपए मासिक पेंशन देने की घोषणा कर बड़ा दिल दिखाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पत्रकारों को दी जाने वाली 15,000 रूपए मासिक की पेंशन पूरे देश में सबसे अधिक है। पंजाब में 12,000, राजस्थान में 14,000 रूपए मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन प्राप्त करने वाले पत्रकारों की मृत्यु पर उसके जीवन साथी को आधी पेंशन दी जाएगी। वहीं मीडिया वेलविंग एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धनी ने पत्रकारों की पेंशन 15,000 रूपए मासिक करने के फैसले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना की है। हरियाणा सरकार ने निकायों में होने वाले कामों के लिए मेयरों की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब मेयर 10 करोड़ रुपए तक के कामों को स्वीकृति दे सकेंगे। पहले उनके पास केवल 2.5 करोड़ तक के कामों को मंजूरी देने के अधिकार थे। इससे ऊपर के कामों की मंजूरी के लिए फाइलें मुख्यालय भेजनी पड़ती थी। वित्तीय शक्ति बढ़ाने के साथ साथ सरकार ने मेयर के प्रशासनिक अधिकार भी बढ़ा दिए हैं। अब वे नियमों की अवहेलना करने पर ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को निलंबित भी कर सकेंगे। इसे जूनियर इंजीनियर यानी जेबी शामिल हैं। मेयरों की शिकायत है कि नीचे के स्टाफ काम में लापरवाही बरतते हैं। इनकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। सीएम ने मेयरों से कहा कि वे नगर निगम आयुक्तों के साथ सामंजस्य बनाए ताकि विकास कार्य में कोई बाधा न आए। राजस्थान में आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का मेगा रोड शो हुआ। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला राजस्थान के 30 गांवों में जनसंपर्क कर विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला राजस्थान में जनसंकल्प यात्रा द्वारा स्थानीय लोगों से रूबरू हुए। वहीं जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला भी रोड शो में मौजूद रहे। जनसंकल्प यात्रा आज सूरतगढ़ और नोहर क्षेत्र के स्थानों पर पहुंची। नवंबर में होने वाले राजस्थान विधानसभा के चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी का ये रोड शो खासा अहम भी माना जा रहा है। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने सीकर की सफल रैली के लिए स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पंचकुला पहुंचे। भूपेंद्र हुड्डा पंचकुला में चल रहे मनरेगा मजदूर और आशा वर्करों के धरने में पहुंचे। वहां उन्होंने मनरेगा मजदूर और आशा वर्करों की मांगों का समर्थन किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आशा वर्करों और मनरेगा मेड मजदूरों की मांग को विधानसभा में उठाया जाएगा। वहीं आशा वर्करों के साथ रोहतक में हुई घटना पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिस प्रकार से आशा वर्करों के साथ व्यवहार किया गया है उसकी वे निंदा करते हैं। सरकार को इनसे बातचीत करके इनकी मांगों का समाधान निकालना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की भाजपा सरकार को नॉन परफॉर्मिंग सरकार बताया और कहा कि जनहित के लिए एक भी फैसला करने में सरकार असमर्थ है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ हरियाणा की बैठक करनाल के मानव सेवा संघ में आयोजित की गई। इस बैठक में हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरमैन आजाद सिंह ने शिरकत की। इस दौरान ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने वाइस चेयरमैन आजाद सिंह को आश्वासन पत्र सौंपा। इस पत्र में ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने हड़ताल में भाग न लेने का आश्वासन दिया। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के सदस्यों ने कहा कि उनके संगठन से जुड़े ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनकी आस्था मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों में है। वहीं इस अवसर पर हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरमैन आजाद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं। वे हर वर्ग के हित की सोचते हैं। जितना भला मनोहर सरकार ने सफाई कर्मचारियों का किया है इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों का इतना भला नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग का गठन किया है और इसमें सफाई कर्मचारियों के बच्चों को कमान दी गई है। वही सरकार के साथ वे दिन रात खड़े हैं। आज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की ये अपने इनकी खुद की एक मीटिंग थी, बैठक थी। इस बैठक में इन्होंने मुझे सिर्फ सामान्य तौर पर आमंत्रित किया था। मैं उसी तरीके से बैठक में आया था, एक स्वागत के तौर पर लगा लो। तो इन्होंने यहाँ पहुँचने पर एक आश्वासन पत्र सरकार के पक्ष में दिया है।
इन्होंने कहा कि भाई हमारा हड़ताल से कोई लेना देना नहीं है, उसमें लिखा हुआ है वो, उसमें आश्वासन पत्र देना भाई, आश्वासन पत्र दियो, उस आश्वासन पत्र में ये लिखा हुआ है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। मेरा काम तो सिर्फ उसको माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना है। इनकी तरफ से भी कुछ मांगे रखी गई हैं? इनकी तरफ से ये कहना है कि भाई हम सरकार ने जो अभी तक हमारे लिए काम किए हैं सफाई कर्मचारियों के लिए वो सही हुए सारे, और समय समय पर हम अपने हिसाब से अपनी मांगे रखते रहते हैं। जब भी इनका कोई मांग पत्र आएगा उस पर विचार किया जाएगा और सरकार उस पर पॉजिटिव प्रयास करेगी। सर, ऐसे सफाई कर्मचारियों से क्या अपील करेंगे जो इस समय हड़ताल पर हैं और सरकार के विरोध में हैं? हमारी तो सभी सफाई कर्मचारियों से यही आग्रह है, यही अपील है कि भाई अपने काम को सुचारू रूप से करते रहो। ये सरकार वो सरकार नहीं है कि नारे लगाओ और फिर वेतन पाओ या कुछ और चीज़ पाओ, कोई लाभ पाओ, इस तरह की सरकार नहीं है। यहाँ नारे लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में संज्ञान में लिखित में भेज दीजिए। मुख्यमंत्री जी एक एक कागज़ पर अपने खुद संज्ञान लेते हैं और उन पे चर्चा करते हैं, उस काम को आगे बढ़ाते हैं। बीते दिनों सिनौली कस्बे के तामसाबाद गांव के पास यमुना में डूबे बच्चों का भी रेस्क्यू हुआ भी नहीं था कि आज सुबह करीब 10 बजे दिल्ली पैलर नहर में एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। डायरेक्ट सुबारा पर तैनात पुलिसकर्मी विजेंद्र ने बताया कि उन्हें नहर के अंदर अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी। इसका पीछा करते करते वह असंद नाका से महाराणा गांव तक पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने आम पब्लिक की सहायता से कड़ी मुशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। उसके बाद शव को पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। उन्होंने बताया कि शव बिल्कुल नग्न अवस्था में था और न ही शव के पास से कुछ बरामद हुआ है। यह सुसाइड है या मर्डर, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस पहचान के लगातार प्रयास कर रही है। कुरुक्षेत्र में 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ डेंगू अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुखार से पीड़ित लोगों में प्लेटलेट्स लगातार कम होने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर संदिग्ध बुखार के मरीज न मिल रहे हों। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने जिले में डेंगू के 185 केस ही रिपोर्ट किए हैं, मगर पिछले 10 साल के रिकॉर्ड पर नजर डालें तब भी इन 10 वर्षों में डेंगू के मामलों में यह साल तीसरा सबसे ज्यादा डेंगू के मामलों वाला वर्ष बन गया है। इस वर्ष 185 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। जिले भर में हर छोटे से बड़े अस्पताल में डेंगू के लक्षण वाले मरीज दाखिल हैं। आए दिन सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आज सुबह भी करीब 7 बजे दिल्ली से अंबाला की तरफ जा रहे कैंट्रो का संतुलन अचानक बिगड़ गया और सड़क किनारे लगे बिजली के खंभों में जा भिड़ा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंट्रो कैबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर उसके बीच फंस गया। कैंट्रो के पिछले हिस्से के दबाव में ड्राइवर कैबिन पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा था, जिससे कैबिन में फंसे ड्राइवर की जान को खतरा पल पल बढ़ने लगा। ऐसे में समय रहते पुलिस और दमकल विभाग को राहगीरों की मदद से ड्राइवर की जान बच गई। कैबिन में फंसा ड्राइवर लगातार लोगों से मदद मांगते हुए उसे बाहर निकालने की गुहार लगाता रहा। लगभग 1.5 घंटे तक चले इस रेस्क्यू के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया। श्री रामलीला सभा द्वारा 120वां दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। दशहरा महोत्सव को लेकर श्री रामलीला सभा द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 15 अक्टूबर से रामलीला का मंचन शुरू हो रहा है। 24 अक्टूबर को करनाल सेक्टर 4 स्थित दशहरा ग्राउंड में दशहरा महोत्सव मनाया जाएगा। इस बार भी रावण 60 फीट और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले 50-50 फीट के होंगे। लंका 20 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी होगी। खास बात यह है कि इस बार दशहरा मैदान में रावण का पुतला दहन के वक्त मुंह और आंखों के साथ मुकुट से भी आगे उगलेगा। अनोखा तो ये आपके ताज में से भी आग निकलेगी, आंखों में से भी और मुंह में से भी आग निकलेगी जी। कितना समय हो गया बनाते? 1 महीना हो गया जी, हमें यहाँ पे लगे हुए 10-12 दिन हो रहे हैं जी, जो तैयार हो जाएंगे यहाँ के। कितनी टीम आपकी कारीगर यहाँ पर लगी हुई है? हम कोई 17 या 18 बंदे लगे हुए हैं जी, दिन रात काम कर रहे हैं जी, दिन रात। कब खड़ा किया जाएगा? ये 24 का दशहरा है जी, 23 तारीख को खड़ा कर देंगे जी इनको। पंचकुला में महाराज अग्रसेन के जन्मोत्सव पर बच्चों द्वारा पेंटिंग और रंगोली और महिलाओं द्वारा मेहंदी कंपटीशन कराया गया। इसमें लगभग 500 बच्चों ने ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया और करीब 150 बच्चों ने रंगोली में भाग लिया। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मेहंदी कंपटीशन का हिस्सा बनी। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।